हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन रूट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जैसे कि आपको पता है कि एंट्रेंस एग्जाम में ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एंट्रेंस एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, मे बी वन, मे बी टू, मे बी थ्री, पर आपको आएगा जरूर। और ये टॉपिक ऐसा है, इफ यू नो, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा भी पता है तो आप इजीली इसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हैं विदाउट मतलब कोई एरर। आप इसमें नेगेटिव नहीं जा सकते। ये एक ऐसा पोर्शन है जो आपको पॉजिटिव स्कोर देगा ही देगा अगर आपको कंसेप्ट पता है। मेनली ये डिपेंड करता है, प्रॉब्लम ऑन एजेस जो है वो लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आ रहा है देन यू कैन इजीली क्रैक दैट क्वेश्चन। तो हम इस वीडियो में कंसेप्ट देखेंगे, थोड़ा बहुत लैंग्वेज देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन का लैंग्वेज है और कैसे कैसे क्वेश्चन को चेंज करा जा रहा है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। प्रैक्टिस के लिए आप हमारा जो फेसबुक ग्रुप है उसे ज्वाइन करना ना भूलें, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक मेंशन कर रखा है। और अदर एप्टीट्यूड्स एंड वर्बल एबिलिटी के जो लेक्चर्स हैं उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल प्रिपरेशन रूट। आइए देखते हैं। पहला कंडीशन है, इफ द करंट एज इज वाई एंड ए टाइम्स द एज इज ए वाई। इसका मतलब यह है कि इफ अगर आपकी करंट एज वाई है और अगर मैं उसे ए टाइम्स कर देता हूं तो मेरा ए वाई एज हो जाएगा। सिंपल मैथमेटिकल है, मल्टीप्लीकेशन है कि अगर मेरी एज सपोज 5 है और मैंने उसमें मल्टीप्लाई कर दिया 3, ए टाइम्स 3 टाइम्स कर दिया, तो मेरा जो एज हो जाएगा वो हो जाएगा 15। ओके, इफ द करंट एज इज एक्स देन एज ए ईयर लेटर और हेंस। क्वेश्चन में ये दो वर्ड आपको जरूर मिलेंगे, लेटर और हेंस। कंफ्यूज ना होए, लेटर में क्या होगा, लेटर और हेंस का मतलब होता है बाद में मैं इसे कंसिडर कर सकता हूं। इसमें हम यूज करेंगे प्लस साइन हमेशा। तो इफ माय सपोज मेरी एज थी, यहां पे मैंने जैसे 5 ली है और मैंने ए ईयर लेटर कर दिया है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, 5 + 3 = 8, ये मेरा इसका वैल्यू हो जाएगा। इफ द करंट एज इज वाई देन एज जो होगी ए ईयर अगो कितनी होगी मेरी, मेरा करंट एज मैंने 5 लिया है और ए मेरा था 3, तो मैं जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2। ईयर अगो का मतलब हो गया पहले। इसमें जो साइन हम यूज करेंगे वो करेंगे हम माइनस का साइन। इफ द एज आर इन रेशियो ए रेशियो बी देन वी कैन राइट इज एज ए के एंड बी के। मेरा रेशियो में एज दे रखा है और मेरे को इंडिविजुअली लिखना है उन दोनों को, तो मैं उन्हें कैसे लिखूंगा, ए के एंड बी के। आप इसे ऐसे भी देख सकते हैं, इसमें क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाता है तो ये ए बाई बी ही आएगा। और इसे मैं सिमिलरली ए के बाई बी के इसलिए लिख सकता हूँ क्योंकि के मेरा एक कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा, पर इससे ये बेनिफिट हो जाएगा कि मैं इन्हें इंडिविजुअली ले सकता हूँ। इसका एप्लीकेशन आपको न्यूमेरिकल्स में पता चलेगा। इफ द करंट एज इज एक्स एंड 1/a ए ऑफ द एज विल बी, जैसे यहां मेरा मल्टीप्लाई हुआ था यहां मेरा डिवाइड है, मेरा 5 है और ए का वैल्यू क्या था 1/3, मैंने इसे ऐसे कर दिया तो मेरा जो एज हो जाएगा वो 5/3 years हो जाएगा। 5/3 years आप इसे डिवाइड करेंगे, ईयर्स कभी भी डेसिमल में नहीं आता तो हम उसे मंथ में कन्वर्ट कर देंगे, मंथ एंड डेज में, तो उससे मेरा आंसर निकल जाए। आइए इससे रिगार्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं। ये तो बेसिक्स था कि कैसे कैसे मेरा मल्टीप्लाई प्लस माइनस रेशियो एंड डिवाइड, इन चीजों को याद रखना है, आप इजीली देखेंगे। लेटर और हेंस का स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि दोनों में प्लस यूज होगा, अगो वाले में माइनस यूज होगा। आइए देखते हैं। द सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन बॉर्न एट द इंटरवल ऑफ 3 years ईच इज 3 year ईच इज 50 years। इन्होंने ये बोला है कि जो 5 चिल्ड्रन हैं उनमें 3-3 साल का गैप है और उनकी सम का जो उनकी एजेस का जो सम है वो 50 years है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यंगेस्ट चाइल्ड की एज। तो ऑब्वियस ही बात है जो सबसे छोटा होगा उसे मैंने ले लिया x, ये मेरा यंगर हो गया,
यंगर, ठीक है, या यंगेस्ट बोलता हूं मैं इसे, यंगेस्ट हो गया है। जो इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा जो होगा वो मेरा होगा एक्स प्लस थ्री, वो इससे बड़े वाला है। अब जो इससे बड़ा होगा वो मेरा होगा एक्स प्लस सिक्स, क्यों, इससे 3 साल बड़ा है, इससे जो पहले वाला होगा वो इससे 3 साल बड़ा होगा। सिमिलरली इससे पहले वाला मेरा 3 साल बड़ा होगा, और जो मेरा सबसे बड़ा होगा वो मेरा एक्स प्लस ट्वेल्व होगा। कैसे, देखिए इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो 3 ईयर्स का है, जैसे 3 ईयर का इंटरवल है, इन दोनों के बीच का 3 है, इन दोनों के बीच का 3 है, एंड इन दोनों के बीच का 3 है। अब आप देखिए फर्स्ट चिल्ड्रन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब हमें क्या मेंशन है, एक्स प्लस ट्वेल्व प्लस एक्स प्लस नाइन प्लस एक्स प्लस सिक्स प्लस एक्स प्लस थ्री प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 50। पांच चिल्ड्रन है, पांचों की एज का सम मेरा 50 है, तो ये हो जाएगा मेरा 5x प्लस 9 प्लस 12 21 प्लस 6 27 प्लस 3 30 इज इक्वल्स टू 50। तो 5x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 20, और x का वैल्यू आ जाएगा 20 डिवाइड बाय 5 विच इज इक्वल्स टू 4 ईयर्स। और मुझे फाइंड आउट क्या करना था, सबसे छोटे बच्चे की एज फाइंड आउट करनी थी, सबसे छोटे चाइल्ड की जो आई है 4 ईयर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 4 सबसे छोटे की, उससे पहले उसके बाद वाले की 7, फिर 10, फिर 13 एंड आफ्टर डेट 16। 3 3 साल का गैप आ गया है इनमें, ये सबकी एजेस का पैटर्न है। आप इन्हें ऐड करेंगे, 16 प्लस 13 29 प्लस 39 प्लस 7 46 प्लस 4 50। तो ये मेरा आंसर भी वेरीफाई हो गया है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। मेन हमें लैंग्वेज देखना है, लैंग्वेज अगर हमें समझ में आ रहा है तो हम इजीली इसे क्रैक कर सकते हैं। ए इज 2 ईयर ओल्डर, ए इज 2 ईयर ओल्डर देन बी हु इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सी। इफ द टोटल एज ऑफ ए बी सी इज 27, हाउ ओल्ड इज बी। इन्होंने बोला है ए जो है वो 2 साल बड़ा है, ओल्डर 2 साल, तो प्लस बी की जितनी एज होगी उसमें 2 साल में ऐड कर दूंगा वो ए की होगी। बी हु इज ट्वाइस ओल्ड एज सी, सी की, सी से वो ट्वाइस है। तो मेरा एक पैटर्न क्या बन रहा है, मैं क्या करूँगा, लेट सी एज मैंने जो ले ली वो ले ली मैंने एक्स ईयर, तो बी की एज क्या है, ट्वाइस ऑफ सीज एज विच इज इक्वल टू 2x, ये मेरा निकल गया। अब इन्होंने क्या बोला है, जो ए की एज है, ए एज इज 2 ईयर ओल्डर देन बीज एज, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x। अब मेरे पास तीनों का एज पता चल गया। अब मेंशन क्या है, तीनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 27 के। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 27, 5x इज इक्वल टू 25, x का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, 5 ईयर्स। अब मेरा x का वैल्यू, डेट मीन्स ये मेरा क्या है, सी इज एज, और मेरे को फाइंड आउट करना है बी का एज विच इज ट्वाइस ऑफ सी एज, सी का एज का ट्वाइस है, तो बी का एज क्या हो जाएगा, 2 इंटू सीज एज विच इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स, 10 ईयर्स आ गया। ए का एज भी फाइंड आउट कर लेते हैं, ए का एज क्या हो जाएगा मेरा, प्लस 2 कर देता हूँ मैं, प्लस 2 हो जाएगा तो 12 ईयर्स। अब आप तीनों को ऐड करिए, 5 प्लस 10 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 27, ये मेरा आंसर भी यहाँ से वेरीफाई हो गया है। तो मेरे को क्वेश्चन का लैंग्वेज देखना है, मेन मेरा क्वेश्चन का लैंग्वेज है। आइए और न्यूमेरिकल देखते हैं। सिक्स ईयर अगो द रेशियो एजेस ऑफ मिया एंड लीसा वॉज 6/5, 4 ईयर हेंस द रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 11/10, वट इज द लीजा एज एट प्रेजेंट। अब इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये मेंशन किया है कि 6 ईयर अगो, जो 6 साल पहले, अब मैं क्वेश्चन को इसी हिसाब से लेके चलता हूं, 6 साल पहले उनकी एज क्या थी,
सिक्स एक्स, अब सिंपली देखते हैं, पहले मैं डायरेक्ट लेता हूं सिक्स ईयर अगो, इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको सिंपल देखते हैं क्वेश्चन की लैंग्वेज को लेके चलेंगे। छह साल पहले मान लो मेरे पास मिया की एज थी सिक्स एक्स, या सिक्स के ले लेते हैं, मैंने के मेंशन करा था, और लीजा की एज थी फाइव के, ओके। फोर ईयर हेंस मतलब कि ये तो छह साल पहले की है, अब उन्होंने बोला है चार साल जो उसकी प्रेजेंट, उनकी जो प्रेजेंट एज है उसके बाद उनका जो रेशियो हो जाता है वो हो जाता है 11:10, मींस फोर ईयर हेंस फ्रॉम प्रेजेंट, प्रेजेंट एज नहीं है ये, इनकी सिक्स ईयर पहले की एज है, सिक्स ईयर पहले की एज हमने ली है, तो प्रेजेंट एज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे वो भी देखिएगा। फोर ईयर हेंस फ्रॉम प्रेजेंट क्या हो जाएगा, मिया की एज तो हो जाएगी सिक्स के, छह साल तो ये और चार साल ये प्लस टेन, और लीजा की एज क्या हो जाएगी मेरी फाइव के प्लस टेन, मिया की एज आ गई लीजा की एज आ गई। अब इन्होंने क्या बोला है, इन दोनों का जो रेशियो है वो मुझे दे रखा है 11:10, तो ये हो जाएगा 60 के, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 100, 55 के प्लस 110, ये हो जाएगा 5k = 10, और k का वैल्यू आ जाएगा मेरा 2, k मेरा एक कॉमन मल्टीपल है उन दोनों में। 6 साल पहले उनकी एज क्या थी, 6 साल पहले उनकी जो एज थी मिया की वो थी 12 इयर्स, एंड लीजा की कितनी थी, 5 × 2 कर देंगे 10 इयर्स, ये तो थी 6 साल पहले, ये 6 साल पहले की एज थी, तो 6 साल बाद की लीजा की एज क्या होगी, ये 6 साल पहले की थी उसकी 10 ईयर, तो प्रेजेंट एज क्या लेंगे हम, प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 + 6 = 16 इयर्स। ये मेरा अकॉर्डिंगली, मेरा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने लैंग्वेज लिया है। अब हम इसे एक और तरीके से क्या कर सकते हैं, सपोज मैं आपको मेथड बता देता हूँ, सॉल्व आप करके देखिएगा, अगर आपको नहीं उसमें कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं उसके रिगार्डिंग आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मिया की प्रेजेंट एज ले लेंगे, मिया प्रेजेंट एज सपोज उस केस में हमारी दो इक्वेशन बन जाएगी, और लीजा की क्या ले लेंगे, लीजा प्रेजेंट एज हम ले लेंगे वाई, एक केस बनेगा क्या मेरा सिक्स ईयर अगो क्या था, माइनस लूंगा ईयर में, अगो में मैंने कहा था माइनस लेंगे, उन दोनों की एज का जो डिफरेंस था, जो रेशो दे रखा है वो 6/5 दे रखा है, एक इक्वेशन मेरी ये बन जाएगी सिक्स ईयर अगो की, एंड फोर ईयर हेंस फ्रॉम देयर प्रेजेंट एज, फोर ईयर हेंस जो मेरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x + 4y + 4 = 11/10। ये मेरी दोनों इक्वेशन है, इन दोनों को मैं सॉल्व करूंगा, x और y की वैल्यू आएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इक्वेशन बन जाएगा, और आप उससे सॉल्व करेंगे तो आपको x का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 18 इयर्स, और y का वैल्यू आएगा 16 इयर्स। तो ये दो मेथड है, या तो आप एक काम कीजिए, ये वाला मेथड जब आप यूज कर सकते हैं जब आपको एक रेशो दे रखा हो, हम उससे रिगार्डिंग भी सॉल्व करेंगे आगे, आपको पता चल जाएगा कि कैसे मैं कह रहा हूँ, ये मैंने इनडायरेक्ट थोड़ा कैलकुलेशन शॉर्ट करके आपको बताया। एक मेथड ये है कि हम एक ही रेशो में काम कर लें, 11:10 में मेरा एक ही रेशो में काम हो गया है, इस केस में मेरे दो रेशो हैं तो मेरे को दोनों को अलग अलग सॉल्व करना होगा, यहाँ मेरा एक ही से काम बन गया और मैंने लास्ट में एड ऑन कर दिया। मेन चीज है लैंग्वेज। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 4:7 4:9 8 year अगो देयर सम ऑफ देयर एजेस वॉज 56. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. मैं अब आप देखिएगा ये जो चीज है वो मैं यहां पे अप्लाई करूंगा. सपोज यहां पे मेरा एक पर्सन का हो गया, फर्स्ट पर्सन का लिख देता हूं. फर्स्ट पर्सन का ले लिया मैंने 4k, सेकेंड का हो गया मेरा 7k एंड थर्ड पर्सन का हो गया मेरा 9k. एट ईयर अगो मैं डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा. कैसे देखिए, 8 year ago क्या हो जाएगा, 4k-8 प्लस सम बोल रखा है, सम ऑफ देयर एजेस 7k-8 प्लस थर्ड का क्या हो जाएगा 9k-8 विच इज इक्वल्स टू 56. तो यहां से मेरा क्या आएगा, 4k प्लस 7k प्लस 9k विच इज इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा 11 प्लस 9, ये हो गया 20k. ये -24 = 56. ओके, अब यहां से 20k का जो वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा 80 एंड k का वैल्यू मेरे को मिलेगा 4. ये मेरा मल्टीपल का वैल्यू मिला है. अब आगे के लिए क्या करेंगे, हम आगे के लिए हम इस k की वैल्यू को इंडिविजुअली उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. कैसे, आइए देखते हैं. फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, फर्स्ट के लिए 4 × 4 = 16 years. ये इसका प्रेजेंट एज है क्योंकि मैंने इनका प्रेजेंट एज लिया था. यहां पे ये प्रेजेंट एज है जो सपोज किया था. सेकंड का क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 28 years. थर्ड का क्या हो जाएगा, 9 × 4 = 36 years. ये मेरे को इनका प्रेजेंट एज फाइंड आउट करना था, ये मैंने प्रेजेंट एज कर दिया. ये जो सेकंड मेथड मैंने आपसे यहां शेयर किया था उसी तरीके से लिया है. 8 year ago उनका मैंने माइनस कर दिया है. जब अगो का केस होता है तो माइनस करते हैं. या मैं एक केस और कर सकता था, मैं इनकी 8 year ago की एज ले लेता मैं ये वाली, और जो मैं प्रेजेंट एज निकालता उसमें मैं प्लस 8 कर देता. कैसे, 4k प्लस दिस प्लस दिस, जो वैल्यू भी आती मेरी उनसे मैं ऐड करके फिर उसमें प्लस 8 कर देता. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था. सेकंड लेक्चर में हम इसी से रिगार्डिंग थोड़े न्यूमेरिकल शेयर करेंगे, डिफरेंट. शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और अदर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और प्रैक्टिस के लिए ज्वाइन जरूर करें फेसबुक ग्रुप, क्योंकि उसमें डेली हमारे क्वेश्चंस पोस्ट किए जा रहे हैं. काफ़ी बच्चे एक्टिव हैं, वो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं. डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, GK, एप्टीट्यूड, इंग्लिश, रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो ज्वाइन जरूर करें. थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो.